मोहतरमा आपकी मर्जी हमारे जिस्म पे हम अपनी सेनेटर साहब मैं आऊंगी आपके पास जिस्म अल्लाह का दिया हुआ है सेनेटर साहब आपकी तरफ आऊंगी आपकी राय का भी एहतराम है उनकी राय हमको देने दीजिए सेनेटर साहब आप अब मेरी को आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी हमारे जिस्म पे हमारी मर्जी चलेगी जितने बच्चे हम चाहेंगे पैदा करेंगे नहीं चाहेंगे नहीं पैदा करेंगे हम चाहेंगे तो अपने शौहर के साथ ताल्लुक बनाएंगे नहीं चाहेंगे तो नहीं बनाएंगे हमारी मर्जी आप क्या चाहते हैं कि रेप हो यहाँ पे लड़कियों के लड़कियाँ जो हैं वो खामोशी से जुल्म बर्दाश्त करती जाएं ऐसा नहीं होगा हम अपनी मर्जी के मालिक होंगे हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपने फैसले मोहतरमा मुझे अभी बोल तीसरी बात और नहीं जी आपने बोल लिया मेरी बारी तीसरी बात ये है कि अभी आपने ये फरमाया कि जी मशरूत इजाजत मिल गई अब तो इजाजत हो जानी चाहिए और ग्रेसफुली देखिए इससे ज्यादा ग्रेसफुली क्या होगा कि हम पुरम तरीके से बाहर निकले अपनी बात कहें और दूसरी जानिब से क्या हो रहा है ये ग्रेस की आप ये देखिए इस्लामाबाद के अंदर बच्चियों ने म्यूरल बनाया एक तख्लीकी अपनी सलाहियतों को पुरम तरीके से इस्तेमाल में लाकर उन्होंने पेंटिंग की और उसके अंदर कोई पोहश बात नहीं थी उसमें सिर्फ लड़कियां पूरे लिबास में खड़ी हुई थी आप मुझे बताइए क्यों लाल मस्जिद के गुंडों ने जाके उसको अभी तबाह बर्बाद किया ठीक है मारवी साहब मैं आपके पास वापस आऊंगी खलील रहमान कमर साहब काफी मैं वापस आती हूं बात सुने पुलिस ने मोहतरमा मेरी बात सुने हट जाओ अभी बात करने बारी से मौका मिलेगा आप दोनों हजरात से मेरी गुजारिश है मैं आपके पास आपकी बारी पर वापस आऊंगी खलील साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी गुज़श्ता कुछ प्रोग्राम्स जो आपने किए मैंने देखे उसमें एक सबसे बड़ा एतराज़ जो आपको भी था वो इन नारों के ऊपर वो जो बैनर्स और पोस्टर उठाकर और वो जो एक ग्रेस खत्म होती हुई जिसके बारे में आप हमेशा बात करते हैं औरत की ग्रेस को लेकर आप हमेशा बात करते हैं तो यहाँ पर जो पिछले साल हमने औरत मार्च देखी उसमें ही हमने देखा कि पोस्टर्स और बैनर्स और उस पर कुछ ऐसी नामुनासिब बातें जिस पर उन लोगों ने भी एतराज़ किया जो खवातीन के हकूक के हवाले से काफ़ी बात करते हैं तो अब ये वाली चीज़ तो अदालत ने इसमें से माइनस कर दी है कि इस तरह की चीज़ आप नहीं कर सकते तो इसके बाद अब आपको लगता है कि अगर खवातीन अपने हकूक के लिए बाहर निकलती हैं तो उसमें कोई मुजायका नहीं है या आपको अब भी लगता है कि ये इसकी कोई जरूरत नहीं है शायद इसको एवं एक इशू बनाया जा रहा है ये इशू है ही नहीं अच्छा पहले तो दोनों पैनलिस्ट जो मेरे साथ हैं उनको मेरी तरफ से बड़ा बसद एहतराम सलाम मेरा और आप दोनों से गुजारिश है आज जब दोनों बात कर रहे थे मैंने बीच में बात नहीं की जब मैं बात कर रहा हूँ लल्ला बीच में मत बोलिएगा ताकि पता चले तीन पढ़े लिखे लोग इस मौजू पर बात कर रहे हैं आपके पास एक ओपिनियन था मैंने उसको सुना मेरे पास एक ओपिनियन है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ सवाल तो सबसे पहले ये है कि अदालत ने अगर ये मना कर दिया है कि मेरा जिस मेरी मर्जी जैसे गलीज और घटिया नारे को मिनहा कर दिया जाए तो मैं इस कर्रो फर्क के साथ माधवी शर्मा साहब को बोलते हुए सुनता हूँ तो मेरा कलेजा हिलता है मैं उस मुल्क का बसिंदा हूँ जहाँ बीच में मत बोलिए बीच में मत बोलो तुम मारवी साहिबा तेरे जिस्म में है क्या तेरे जिस्म में है क्या उस पर मर्जी चलाता कौन है अपना जिस्म देखो जाके आप अपनी बारी में बात करेंगे तेरा जिस्म है क्या बीबी थूकता नहीं है कोई उसका जिस्म आपके जिस्म पर आपके जिस्म पर कोई थूकता नहीं है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मारवी साहिबा मारवी साहिबा अपनी बारी पे मैं आपके पास वापस आऊं डोंट टॉक ब्लडी नॉनसेंस यू नो यू ब्लडी शट अप प्लीज देखें ये यू शट अप प्लीज प्लीज इस फॉरम में यू की पट्टी हम देखें बहुत तहजीब से बात कर रहे हैं मारवी साहिबा अपनी बारी पे अमेरिका में तहकीक कर रही है बेहयाई की तहकीक कर रही है मारवी साहिबा आप तेरी ऐसी की तहसीब मारवी साहिबा आप बदतमीजी लग रहे हो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की बकवास मत कीजिएगा चले खलील साहब तेरा जिस्म है क्या थूकता नहीं कोई मर्द उसके ऊपर शकल देख अपनी जाकर खलील साहब देखें आप मैंने आपसे सवाल मैंने आपसे रिक्वेस्ट की बस अब इत्राम कहा सलाम किया और अर्ज की कि मैंने आपकी बातें पूरे गौर से सुनी मेरी मेरी एक बात सुनी आपने गाली बड़े अभी और ये मुझे तमीज की तकरीर कर रहा है आप मेरी रिक्वेस्ट मानिए प्लीज अपनी बारी पे बात कीजिए इस घटिया औरत को भी आप मेरे साथ पैनल में जी जी खलील साहब इनको चुप कराइए मैं बात मोहतरमा बात करने दें इनको आप अपनी बात पूरी करें ठीक है करें आप मेरा मुल्क दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक की निचली सतह पर है मेरे यहाँ इतने मसाइल हैं जो
रिजॉल्व नहीं हो पा रहे फॉर द लास्ट 72 इयर्स. काश ये औरतें निकलती, कुरान हाथ में लेती और कैसी हम कलमा पढ़ के कहती हैं कि आज के बाद मर्द जो कमा के लाएगा उसमें गुजारा कर लेंगी. खुदा की कसम हम इनके कदमों में आंखें बिछाते हैं. ये बाहर निकलती अपने, देखिए तारीख गवाह है, औरतों ने मर्दों के हौसले बुलंद किए और उन्होंने फतुहात हासिल की, वो मैदान हो वो जंग हो. आप बाहर निकलती अपने बच्चों को, अपने बच्चों को उभारती कि उठो इजादात करो, लोगों की बनाई हुई चीज़ों के ऊपर गुजारा करना बंद करो. बारोड इकॉनमी, बारोड कल्चर, बारोड अल्लाह माफ़ करे फैशन, इन चीज़ों से निकल कर अपनी चीज़ों पर प्राइड लो. लेकिन बदकिस्मती क्या है, आज मार्च हो रहा है, औरत मार्च. व्हाट इज दिस औरत मार्च? कौन बाशऊर मर्द में बार बार चीख के कह रहा हूँ जो औरत के हुकूक का आलमबरदार नहीं है? अगर कुछ घटिया लोग हैं तो हम उनको उनके उनसे लड़ने के लिए आपके आपके साथ पहली सफ में खड़े हैं. सही. मैं हैरान हो रहा हूँ, आप फरमा रही हैं कि आई एम डिवोर्स्ड, आई एम हैप्पी. वो भाई खुदा के वास्ते, मैं तो मज़हब पर बात ही नहीं करता, ये तो मौलाना साहब कर रहे हैं, मैं तो मोरालिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ. अल्लाह के वास्ते ये शरी तौर पर तो छोड़िए, अखलाकी तौर पर भी इंतहाई गैर पसंदीदा बात है. अगर आपको डिवोर्स में खुशी है